केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ स्वर्णा मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का दौर चल रहा है और जैसे जैसे चुनाव करीब आती जा रही है, चुनावी गलियारियों में हलचल मच रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता प्रीतम पांडे पहुंचे नगर पंचायत सबोर, जहां उनकी खास बातचीत हुई पार्षद पद के प्रत्याशी श्री शंकर यादव से, जिनका वार्ड नंबर है 5। तो आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल पेशकश में क्या कुछ खास बातचीत हुई श्री शंकर यादव से। नमस्कार, मैं हूं प्रीतम पांडे, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। नगर पंचायत चुनाव चल रहा है, इस दरमियान आज हम सबोर नगर पंचायत में आए हुए हैं और आज बात करते हैं श्री शंकर यादव जी से, जो वार्ड नंबर 5 से खड़े हुए हैं। चुनाव के क्या उद्देश्य हैं, चुनाव लड़ने के क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शंकर यादव, 5 नंबर वार्ड, 5 नंबर सीरियल भी हमारा है और उसके बाद हमारा दीजिए 29 छाप है। हम सारी जनता से निवेदन करते हैं कि हमको एक बार दीजिए मौका दिया जाए और हम जनता का सेवा करने के लिए हम खड़ा हो। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा जनता का सेवा करने का उद्देश्य है। जब आप सेवा करते ही आए हैं बहुत दिन से, तो हम जनता के लिए हम रोड, नाला, जल, आवास, मतलब कि वृद्धा पेंशन, विकलांग के लिए मतलब उसका जो पेंशन के लिए जो भी है, हम सरकार से लड़ कर के दिलाने का प्रयास करेंगे। समाज सेवा, ये कहना है इनका कि मैं समाज सेवा करता हूँ और समाज सेवा हमारा कर्तव्य है। तो किस तरह से आप समाज सेवा करते हैं? समाज सेवा हम जो अपने दिल से करते हैं। जैसे आप किस कैसे माने कि आप समाज सेवा करते हैं? क्या ऐसा कार्य किया जो समाज सेवा? बहुत ऐसा कार्य किए हुए हैं, जबकि ऐसे ने 15-20 साल से हम बहुत ऐसा रोड नाला एकदम, जबकि उस समय मुखिया का चुनाव भी नहीं हुआ था, 16-20 बरस तक नहीं हुआ था, उस समय हम रोड नाला सामुदायिक भवन बहुत ऐसा बनाए हैं इसी ब्लॉक के अंदर। अब सब हमको इस ब्लॉक के पूरा आदमी जानते हैं कि कितना ये पीछे निछावर है, वो अपने काम के लिए निछावर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने वार्ड में सारे लोगों के लिए एक व्यवस्था की, सामुदायिक विवाह भवन, जो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। इनका कहना है इस तरह के कई समाज कार्य मैंने किया है और करता रहूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। तो ये बताइए कि जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता हमको वोट देगी, जनता इसलिए हमको पूरा माने जब नगर पंचायत का घोषित हुआ कि सबौर नगर पंचायत हुआ जी, उस समय हमारे पूरे जनता यहाँ कि हमारे दरवाजे पर आकर के हमको उत्साहित किया, होली मिलन समारोह किए, हम तो यदि 2000 आदमी के साथ हम पूरा प्यार पाए। उसके बाद वो लोग हमको बोला कि आप खड़ा होइए और आपको हम लोग सहयोग करेंगे, जैसे भी होगा हम लोग सहयोग करेंगे, आपकी आप मतलब कि हम हमारे मुखिया होंगे और हम कीजिए हम लोग बहुत खुश होंगे। चलिए, अगर ये जीतते हैं तो पूछते हैं इनसे कौन से 10 कार्य इन्होंने अपने योजना में रखा है। हाँ, तो हम जो है 10 कार्य, हम जो नल के लिए पानी का व्यवस्था, शुद्ध पानी का व्यवस्था करेंगे, हम रोड का व्यवस्था करेंगे, रोड पर जो पानी बह रहा है उसका नाला का व्यवस्था करेंगे, बिजली का व्यवस्था करेंगे, दूसरा है कि विकलांग जो है, विकलांग को पेंशन का दिलाने का अथक प्रयास करके हम दिलाने का कोशिश करेंगे, वृद्धा पेंशन दिलाएंगे, गरीबों को जो झोपड़ी से निकल करके बाहर में ठंडा में कुड़कुड़ा रहे हैं उसको हम आवास का व्यवस्था करवाएंगे, ये सब हमारा काम करेंगे। वृद्धा पेंशन, आवास योजना, नल की सुविधा, घर घर में नल की सुविधा, पानी की व्यवस्था, नाला, बिजली, मतलब इनका कहना है कि जो भी कार्य नहीं हुए उसको पूरा मैं करूँगा और निस्वार्थ करूँगा। तो अब जानते हैं इनसे कि ये जनता को किस तरह से कहेंगे कि कितने नंबर पे वोट देना है। जनता को हम कहेंगे कि हम 5 नंबर वार्ड, 5 नंबर सीरियल और मोमबत्ती छाप पर ही बटन दबाकर का हमको देवांशी जनता हमको कीजिए वोटिंग करें, हम उनका मतलब सेवा करते रहेंगे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।